गुड इवनिंग डियर। अभी हमने पहला पार्ट देखा था टेबल का, अब हम दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, टेबल टू। अब देखिएगा, हमने ये कोड लिखा था, हमारा पहला पार्ट था, ये कोड हमारा था, हमने इसी कोड में चेंजेस कर दिए हैं, हम ये सब हटा दे रहे हैं। हमारा सब कुछ यही था, इमेजिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि टेबल बनी ही नहीं है अभी, तो इसलिए कुछ ऐसा प्रीव्यू आ रहा है आपके सामने। या हम टेबल टू कर दे रहे हैं, हमारा प्रीव्यू कुछ ऐसा है, टेबल टू, हमें नेम पोस्ट लिखना है, हमने एक बार टी आर ऑन किया, फिर हमने टी एच कर दिया, हमने नेम लिख दिया, टी एच को क्लोज कर दिया। ऐसे ही हमने टी एच लिखा, पोस्ट किया और टी एच को क्लोज कर दिया। इतना करने से क्या होगा, टी आर को क्लोज करने के बाद आप सेव करते हो और आप देखो रिजल्ट, तो हमारा नेम और पोस्ट लिख के आ जाएगा। तो कोड ये देखिए, टेबल टू और नेम और पोस्ट डार्क में आ गया है। अब आपको नेम लिखना है, हमारा प्रीव्यू कुछ ऐसा है, देखिए एम एस वर्ड में हमें महेश लिखना है और यहाँ पे सुरेश लिखना है, इमेजिन सुरेश लिखना है, और यहाँ एक मर्ज है, रो स्पैन है, तो हम पहली रो ऑन करेंगे अभी, उसी में महेश और मैनेजर लिखना है। तो हम पहली रो मतलब दूसरी रो ऑन किए टी आर, तो पहला डेटा हमने लिखा टी डी महेश, डेटा हो गया। अब इसको सेव करके देख लीजिए, तो ये महेश देखिए लिख गया है। अब इसी के आगे हमें मर्ज करना है, तो टी डी देखिए रो स्पैन है, ये एक रो, ये दूसरी रो, तो दो रो मिलके एक सेल बन रही है, तो ये है रो स्पैन। तो आप नोट पैड में यहाँ लिखेंगे टी डी रो स्पैन इक्वस टू टू, और मैसेज लिख देंगे जो भी मैसेज था, मैनेजर, और टी डी को क्लोज कर देंगे। स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें कोई मत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती HTML। और यहाँ पर हम टी आर को क्लोज कर देंगे क्योंकि इसके आगे कोई रो नहीं है। तो मैंने आपको ऐसे लिखने को देखने को मिलेगा, लेकिन अगला भी अगली रो जब बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मर्ज आपको दिखेगा। तो हम यहाँ पे दूसरी रो बना रहे हैं जो कि सुरेश के लिए है, मतलब कहने का देखिए दोबारा, आपने महेश वाली रो बनाई तो इसी में मैनेजर आ गया, तो यहाँ पे रो फिनिश हो गई, लेकिन ये रो तो बची है सुरेश वाली, इसलिए ये रो बना रहे हैं। तो दोबारा हमने टी आर ऑन किया और टी डी, टी डी में हमने सिर्फ लिखा सुरेश और टी डी को क्लोज कर दिया, यहाँ पे टी आर को क्लोज कर दिया, और इसके बाद हमने टेबल को क्लोज कर दिया। आप देखेंगे सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो आप देखिए ये मर्ज हो चुका है। देखिए रिजल्ट सेम आ रहा वही जो था, देखिए ये रिजल्ट है ना, देखिए। अब इसके आगे हमें नीचे एक रो बनानी, सपोज दैट ऐसे एम एस वर्ड में आप देखिए, मैंने एक इंसर्ट की रो बिलो, ये रो हो गई मान लीजिए, अब मुझे इस रो को एक सेल बनाना है, मैंने मर्ज कर दिया और इसमें लिखना है थैंक्स, कुछ ऐसा हम बनाना चाहते हैं HTML पे। तो ये पूरी दो कॉलम मिलके एक सेल बन रहे हैं, तो ये हो गया कॉल स्पैन। तो एक रो हम और बना दे रहे हैं टी आर के जस्ट बाद, एक रो ऑन ऑन हो गई, और इसमें टी डी में हमने कॉल स्पैन कर दिया कितना टू, और लिख दिया थैंक्स। तो ये हो जाएगा टी आर क्लोज और टेबल क्लोज। इससे क्या होगा, ये थैंक्स लिख के आ जाएगा, ये मर्ज हो चुका। देखिए ये आपका कोड है, तो यहाँ देखिए कैप्शन लिखा टेबल टू आ गया, टी आर ऑन किया, नेम पोस्ट लिखा टी एच में तो नेम पोस्ट लिख गया, फिर टी आर को क्लोज कर दिया, फिर महेश वाली रो बननी शुरू हुई, तो टी डी महेश, टी आर ऑन किया, फिर टी डी महेश लिखा, टी डी क्लोज किया, फिर टी डी रो स्पैन इक्वल टू टू किया क्योंकि
ये महेश के आगे जो मैनेजर वाले सेल है, ये दो रो को मिलके एक सेल बनाया गया है और ये सेकेंड रो का ही पार्ट है, इसीलिए इसी में लिखा गया टी डी रो इज पेन इक्वल्स टू टू मैनेजर। और इसके जस्ट बाद टी डी को क्लोज कर देगा, टी आर क्लोज हो गया क्योंकि इसके आगे कोई सेल था ही नहीं। अब देखिए इसके आगे कोई सेल नहीं है। और इसके जस्ट बाद हमने एक सुरेश वाली रो बनाई, तो हमने लिखा टी आर टी डी सुरेश, टी डी क्लोज, टी आर क्लोज, इसके आगे कोई रो थी नहीं। जिसके जस्ट नीचे हमने थर्ड रो बनाई, टी आर ऑन हो गई, टी डी कॉल स्पैन टू, तो दो कॉलम मिल के एक सेल बना रहे हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ थैंक्स लिख दिया, तो ये दो सेल का एक सेल बन गया, टेबल को क्लोज कर दिया। यही आपका रो स्पैन कॉल स्पैन है। तो पहले पार्ट में हमने सिंपल टेबल बता दी थी, दूसरे पार्ट में हमने कॉल स्पैन रो स्पैन बता दिया। इसके अलावा आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम में टेबल से बाहर कुछ नहीं आएगा। एक होती है सेल स्पेसिंग, एक होती है सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग से सेल स्पेसिंग हो जाती है, ऊपर बताया था, और सेल पैडिंग से कंटेंट हमारे स्पेस हो जाता है। अभी दिखाते हैं, यहाँ पे सेल स्पेसिंग 4 लिखा है और यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 4 की जगह हमने 6 कर दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया सेल पैडिंग इक्वल्स टू 30। तो क्या होगा देखिए, ये सेल हमारे बड़े बड़े हो जाएंगे स्पेसिंग, और ये इधर से लेफ्ट साइड से थोड़ा दूर हो जाएगा, ये पैडिंग है, मार्जिन से डिस्टेंस हो गई। आप देखिए 30 बजाय आप 20 कर दीजिए तो ये पैडिंग चेंज हो जाएगी, ये स्पेसिंग एडजस्ट हो रही है, और ये स्पेसिंग है सेल स्पेसिंग। यहाँ पे 20 बजाय आप 10 कर लो और छोटा हो जाएगा। तो सेल पैडिंग मींस कंटेंट का स्पेस बाउंड्री से कितनी दूर पे होगा, और सेल स्पेसिंग का मतलब सेल के बीच स्पेस कितने कितने होंगे, कितने पिक्सल का, हमने कहा 10, तो ये थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा इसके बीच, ये देखिए। तो आप इस तरीके से टेबल के सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। तो दो क्वेश्चन बनता है यहाँ, डिफरेंस बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो आपको थ्योरी में बोलना चाहिए सेल स्पेसिंग इज यूज टू गिव द सेल स्पेस अमंग द सेल्स, वाइल सेल पैडिंग इज यूज टू गिव द स्पेस बिटवीन एज ऑफ द बाउंड्री एंड कंटेंट। इसके अलावा दो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो आप कहेंगे व्हेन वी मर्ज मोर देन वन रो इनटू वन सेल दैट इज कॉल्ड रो स्पैन, व्हेन वी मर्ज मोर देन वन कॉलम इनटू वन सेल दैट इज कॉल्ड कॉल स्पैन। इसके अलावा टेबल से कोई भी पार्ट अलग नहीं आएगा। आप टीडी में भी बिजी कलर अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने कहा टीडी बिजी कलर इक्वल्स टू येलो, तो ये देखिए एक येलो कलर से आ जाएगा टीडी। तो आप टीडी में बिजी कलर अप्लाई कर सकते हो, टीएच में भी कर सकते हो, टीआर में भी कर सकते हो, टेबल में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, आप कहाँ करना चाहते हो, क्लियर है। एक होता है बेस फॉन्ट, टेबल से पहले मैं बता रहा हूँ, एक होता है बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट में हमने लिख दिया बेस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 4, कलर इक्वल्स टू ग्रीन, इमेजिन। तो अब अगर हम इस टेबल के जस्ट नीचे कुछ और लिखते हैं, सपोज दैट एक पैराग्राफ लिखा हमने कुछ भी, और पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया, तो आप देखोगे इस टेबल से जस्ट नीचे पैराग्राफ आएगा, और यहाँ पर हमने बेस फॉन्ट यूज़ किया था, यहाँ बॉडी यूज कर ले रहे हैं, बेस फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन, इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। HTML इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई होप
बेस फॉन्ट वर्क नहीं कर रहा इस पे। हम अभी ट्राई करते हैं इसको, दूसरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं बेस फॉन्ट का। अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो यहाँ तक टेबल का प्रैक्टिकल था, इसको हम अभी चेंज करते हैं। मैं दोबारा एक ट्राई कर लेता हूँ, सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। HTML बॉडी साइज इक्वल्स टू 4। बेस फॉन्ट टैग वर्क नहीं कर रहा है, बेस फॉन्ट वर्क नहीं कर रहा है इस पे। एक बार हम दूसरे ब्राउजर पे ओपन करके देख ले रहे हैं इसको। एक बेस फॉन्ट टैग होता है जो पूरे पेज के लिए यूज़ होता है। साइज और फेस और कलर इसके ही एट्रीब्यूट होते हैं जैसे फॉन्ट के होते हैं, लेकिन ये पूरे पेज के लिए होता है। बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है बेस फॉन्ट। यहाँ पे अगर हम फॉन्ट यूज़ करके देखें तो सपोर्ट कर जाएगा। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, देखिए ग्रीन हो रहा है। और यहीं पे जब हम बेस फॉन्ट लगा रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है, बेस फॉन्ट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंस कभी आता है तो इसको हम लोग और देखेंगे क्यों नहीं कर रहा है। मैं एक बार ट्राई करूँगा दोबारा इसको देखने की। बेस फॉन्ट पूरे पेज के लिए होता है, एक ही बार यूज़ होता है, जबकि फॉन्ट बार बार यूज़ कर सकते हैं आप लोग। कभी कभी ये किसी ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करता है, इसको हम देखेंगे तो दोबारा डिटेल में इसको करने के बाद देखते हैं कि कौन सा ब्राउजर से सपोर्ट करता है, फिर आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेबल में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉन्ट मैंने दोबारा यहाँ बता ही दिया कि अगर आप फॉन्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर लिख सकते हैं, इसका साइज भी दे सकते हैं। सपोज ये कलर हो गया, इसका साइज भी दे सकते हैं। साइज इक्वल्स टू आपने 4 किया तो 4 हो गया, प्लस 4 किया तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसका फेस लगा सकते हैं, फेस इक्वल टू हमने कहा मोनो टाइप कार्सिवा, तो फेस चेंज कर सकते हैं, फेस ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से आप फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, आप फॉन्ट का यूज़ बार बार कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज़ किए, सपोज दैट फॉन्ट को क्लोज हो के कर दिया। फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कलर होता है, साइज होता है और फेस होता है। फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट होते हैं। और यहाँ पे दोबारा फॉन्ट हमने कहा कलर इक्वल्स टू येलो, तो जो भी लिखेंगे उसका कलर अब येलो आएगा। देखिए साइज हमने यहाँ चेंज कर दिया, सपोज दैट इक्वल्स टू +3, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस टाइप से आप फॉन्ट को यूज़ करते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूँगा और भी डेटा आपको देने की। इतना आप देखिएगा, कोई डाउट होगा पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।